सो डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑफ कल्पतरु कॉलेज ऑफ बीएससी नर्सिंग, कल्पतरु कॉलेज ऑफ बीएससी नर्सिंग के जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, जिनको स्कॉलरशिप संबंधित आने वाली समस्याओं के निराकरण एवं छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातों से संबंधित कुछ सूचनाएँ हैं आपके लिए कि हम स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे अप्लाई करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, क्या क्या गलतियां करने से बचना है ताकि हमें हमारे सहायता राशि हमें अच्छे से मिल सके। तो यहां पर स्कॉलरशिप का जो आप फॉर्म अप्लाई करते हो, ये एक तरह से हेल्प वीडियो है, राइट। सूचना आप तक पहुँचाना और गलतियों से बचाना, करेक्शंस फॉर्म एक बार में ही अच्छे से सबमिट हो जाए और सफलतापूर्वक स्कॉलरशिप आपको मिल जाए, यही उद्देश्य के साथ ये वीडियो क्लिप तैयार किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे आपको फॉर्म भरना है, राइट। फॉर्म भरने के पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। सबसे पहले मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, मतलब ये कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो भी है, उस विभाग के जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप सबसे पहले जाइएगा और स्कॉलरशिप संबंधित जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं एक छात्रवृत्ति वाले बच्चे के लिए, क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल, इनकम कितनी होनी चाहिए, कैटेगरी क्या होनी चाहिए, परसेंटेज पास उत्तीर्ण, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, सारी चीज़ें इस साइट पर आपको मिल जाएंगी। लेकिन सुपरफिशियली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होने चाहिए आपके स्कॉलरशिप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। जैसा कि आप सभी ने कल्पतरु कॉलेज ऑफ बीएससी नर्सिंग उदयपुर के अंदर एडमिशन ले चुके हैं और आई होप कि आप सभी ने फीस भी जमा कर दी होगी, तो यहाँ पर अंतिम सबसे पहले आपको जो दस्तावेज आवश्यक होते हैं वो होता है, पहला रहता है कि अंतिम योग्यता परीक्षा मार्कशीट। का मतलब ये है कि आप जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप कौन से स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आप यदि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको ट्वेल्थ पास की मार्कशीट यहाँ पे लगानी होती है, क्योंकि इसके लास्ट आपकी जो मार्कशीट है वो रहती है, वो ट्वेल्थ की रहती है। यदि आप सेकेंड ईयर के लिए स्कॉलरशिप में अप्लाई करोगे तो फर्स्ट ईयर पास की मार्कशीट लगानी होती है। सेकेंड में आपको बताना चाहूँगा क्या डॉक्यूमेंट रहता है कि जाति प्रमाण पत्र। जाति इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एसटी एससी को सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है, फिर ओबीसी का नंबर आता है, फिर माइनॉरिटी, इस तरीके से। और जाति प्रमाण पत्र आपका जो है वो मैं एक एक सारी चीज़ें आपको रियल भी बताऊंगा कैसे हमको लगानी है। नेक्स्ट है आय प्रमाण पत्र, राइट। आय प्रमाण पत्र जो रहेगा वो फादर के नाम से, अदरवाइज फादर नहीं है तो मदर के नाम से, राइट। प्रायोरिटी ये रहती है कि फादर के नाम से बनता है, यदि फादर नहीं है तो मदर के नाम से आय प्रमाण पत्र बनता है। मतलब आय प्रमाण पत्र जो बनता है वो फादर का बनता है, मदर का बनता है। और यदि आय प्रमाण पत्र आपके पास बना हुआ है तो इसकी वैलिडिटी जो रहती है वो वैलिडिटी रहती है वो छः महीने से ज़्यादा पुराना आय प्रमाण पत्र होना नहीं चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट अपना जो डॉक्यूमेंट रहता है वो बैंक पासबुक रहती है, राइट। बैंक पासबुक आपको बैंक में खाता खुलवाना है, और ऐसी बैंक जैसे मैं कुछ उदाहरण बताऊंगा, SBI हो गया, राइट, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, HDFC हो गया, इस तरह की जो बैंक्स हैं इन बैंक के अंदर आपको अकाउंट खुलवाना होता है, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, इस तरह की जो बैंक रहती है इनका अपन श्योर नहीं कर सकते, श्योर नहीं कह सकते कि स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। बाकी इन बैंक के अंदर यदि आप आओगे तो स्कॉलरशिप संबंधित कोई प्रॉब्लम इसके अंदर इन बैंक्स में नहीं होगी। नेक्स्ट फीस रसीद जो है वो आपको फीस रसीद लगानी है, राइट, जो कि आपको कॉलेज में फ़ीस जमा करने पर यहाँ पर आपके नाम से रसीद अवेलेबल होगी, जिसका मैं सैंपल आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है आधार कार्ड और नवीनतम पासपोर्ट आकार स्कैन फोटोकॉपी एंड मूल निवास। अब आइए मैं एक एक करके डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ज़रूरी होती है अंतिम योग्यता मार्कशीट। का मतलब ये है कि आपने 12वीं पास करी है, राइट, तो 12वीं जहाँ से भी पास करी है वहाँ की ओरिजिनल मार्कशीट जिस तरह से आपको यहाँ पर स्कैन की हुई दिख रही है, सेम वैसी की वैसी स्कैन अच्छी क्लियर क्वालिटी के साथ आपको अपलोड करनी है। ऐसा नहीं कि फ़ोटो खींच लिया, कैमरा टेढ़ा रह गया, साथ में
उंगलियां भी आ रही है, अंधेरा लग रहा है, एक तरह से नाम नहीं दिख रहा है, कोई कोना मुड़ रहा है उसका, राइट, बीच में कोई दरार पड़ रही है फ़ोटो के अंदर, इस तरह के डिफेक्ट्स नहीं आने चाहिए ताकि आपका एक बार में ही काम कंप्लीट हो जाए। सेकंड, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र भी ऐसा ही जो कंप्यूटराइज्ड जाति प्रमाण पत्र रहता है, जो कि ओरिजिनल, राइट, जो कि आपके ई मित्र के द्वारा जो जनरेट किया हुआ रहता है डिजिटल, तो जैसा आपको यहाँ पर जाति प्रमाण दिख रहा है इसी पैटर्न में जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होता है स्कॉलरशिप फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट जो है अपना आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र इस तरह से रहेगा, लगभग दिखेगा, एक्चुअल एग्जैक्ट आय प्रमाण पत्र का मैंने आपको यहाँ पे पिक नहीं दे पा रहा हूँ, राइट, लेकिन फ्यूचर में यदि कभी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं ओरिजिनल जो आय प्रमाण पत्र रहता है किसी स्टूडेंट का मेरे पास आता है तो मैं उसी आय प्रमाण पत्र को आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि इस तरह का फॉर्मेट आपको बनाना है। अदरवाइज़ मैं आपको अभी तक सुपरफिशियल ये बताना चाहूँगा कि ये इस तरह से पोर्टल थोड़ा सा ये हल्का सा ग्रीन कलर का रहता है, राइट, यहाँ पर फादर के फ़ोटो लगा हुआ रहता है, इनकम वगैरह इसमें भरी हुई हो रहती है, राजेश पटवारी वगैरह के साइन रहते हैं, 6 मंथ की ये जो है वो इसके अंदर वैलिडिटी होनी चाहिए, होती है तो उससे ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है बैंक पासबुक। बैंक पासबुक जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही बैंक पासबुक होना चाहिए, जिसके अंदर कंप्यूटराइज्ड सारी डिटेल जो बैंक की रहती है फ्रंट पेज की वो अवेलेबल होनी चाहिए और आपका फ़ोटो और बैंक की सील के साथ यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। चाहे HDFC बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, तो इस तरह से पासबुक आपकी होनी चाहिए। और बैंक पासबुक के अंदर सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी तक आप 12वीं कक्षा से छोटे थे, अब क्या हो गया, आप 12वीं कक्षा से बड़े हो गए, समझना बात को, राइट, अभी क्या हो गया, 12वीं कक्षा से बड़े हो गए। जब 12वीं कक्षा के पहले यदि आपने कोई अकाउंट खुलवाया है तो वो अकाउंट होता है माइनर अकाउंट, राइट, वो अकाउंट क्या होता है, माइनर अकाउंट। लेकिन उसके अंदर जो बड़ी राशि है, जैसे कि आपकी स्कॉलरशिप की जो राशि है वो 70,000, तो ये 70,000 जो है वो आपके माइनर अकाउंट में जमा नहीं होती है, राइट, इसलिए आपका जो माइनर अकाउंट है इसको मेजर में कन्वर्ट कराना बहुत ज़रूरी है, इसको मेजर में कन्वर्ट कराना, मेजर में बदलना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, आप अपने बैंक अकाउंट को एक बार चेक करवा लें कहीं वो माइनर अकाउंट तो नहीं है। यदि माइनर अकाउंट है तो स्कॉलरशिप तो आपकी पास हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर जो पेमेंट आना चाहिए लगभग 70,000 के आसपास जो पेमेंट आपके माइनर अकाउंट में आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो बच्चों का अकाउंट माना जाता है, छोटे लोगों का अकाउंट माना जाता है। तो इसलिए आप अब बड़े हो गए हैं, 12वीं पास हो गए हैं, तो आपको अपने माइनर अकाउंट को मेजर अकाउंट में कन्वर्ट कराना है। फॉर्म भरने से पहले आप अपने मेजर अकाउंट का कन्फर्मेशन ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे कुछ एक दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका माइनर होते हुए ही उन्होंने स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया, स्कॉलरशिप पास हो गई, लेकिन अब तक एक साल पुरानी बात है, अभी तक उनके अकाउंट में राशि नहीं आ पाई है, तो उनको इस साल बहुत भारी नुकसान हो गया है, अपने खुद के घर से फीस भरनी पड़ी है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है, इसको आप ज़रूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट है फीस रसीद। इस तरह की लगभग फीस रसीद रहेगी जहाँ पे आपकी जो फीस है वो यहाँ पे फीस दर्शाई जाती है, और वो फीस प्रिंसिपल सर के साइन और यहाँ पे अटेस्टेड सील, और ये भी क्या है, मैं जो चीज़ें ओरिजिनल दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें ओरिजिनल लगेंगी, ऐसा नहीं कि फोटोकॉपी और उस पर अटेस्टेड करके लगा दिया। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम डॉक्यूमेंट अच्छे से अच्छे प्रोवाइड करवा पाएँ गवर्नमेंट को, ताकि हमारे कार्य में कहीं बाधा ना आए। नेक्स्ट आधार कार्ड, राइट, आधार कार्ड जो है इस तरह से आधार कार्ड आपका ओरिजिनल रहेगा, सीधा सा सिंपल सा फ़ोटो खींचा हुआ और स्कैन किया हुआ, मीन्स अच्छी क्वालिटी के साथ, राइट। यदि आधार कार्ड के अंदर यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ डिटेल नहीं है, जैसे कि डेट, मंथ और ईयर, तीनों डिटेल आने चाहिए, यदि नहीं है तो उसे अपडेट करवा लें। नेक्स्ट है मूल निवास। मूल निवास इस तरह से जिस तरह से जाति प्रमाण पत्र रहता है उसी तरह से मूल निवास रहता है, ये भी ओरिजिनल है और ये भी आपको इस तरह से अपलोड कराना है। नेक्स्ट है जन आधार कार्ड। जन आधार कार्ड को भी आपको रेडी रखना है, ओरिजिनल जन आधार कार्ड को। और जन आधार कार्ड संबंधित एक और सूचना कि आपका जो बैंक अकाउंट है, सपोज आपके पास BOB बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है, तो आपका अकाउंट आपके जन आधार कार्ड में अपडेटेड होना चाहिए, राइट। आपका जो अकाउंट है या आपने अभी जो अपना माइनर अकाउंट को मेजर में कन्वर्ट करवाया है, राइट, वो SBI हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकता है, पंजाब नेशनल बैंक हो सकता है, HDFC हो सकता है, तो इन अकाउंट्स को अपने आधार कार्ड अपने जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट करवाना है, राइट। आगे बढ़ेंगे।
नवीनतम पासपोर्ट आकार स्कैन फोटो, इस तरह से एक सैंपल है राइट। इस तरह का एक पासपोर्ट आकार का फ़ोटो जो स्कैंड आपके पास होना चाहिए, आप ई मित्र पे ले जाएंगे अपने फ़ोटो को तो वो स्कैन करके इसे अपलोड करेंगे, नवीनतम होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छात्रवृत्ति को ध्यान में रखने के लिए, फॉर्म भरने से पहले ध्यान में रखने योग्य जो बिंदु है, पहला तो ये कि आपको यदि SSO ID नहीं बनवाई है तो SSO ID बनवाइए, रजिस्टर्ड कीजिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से SSO ID बनवाइए, ताकि भविष्य में यदि उस आपके द्वारा किए गए आवेदन में कोई गलती है तो आपके उस मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज के द्वारा सूचित कर दिया जाए। तो आपका ये मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, आप अपने आवेदन में जो मोबाइल नंबर बता रहे हैं वो मोबाइल नंबर हमेशा चालू होना चाहिए, उसके अंदर इनकमिंग हमेशा चालू होनी चाहिए। पहला SSO ID बनाओ, दूसरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रखना है, ऐसा नहीं कि सिम बदल दी वो फ़ोन किसी और को दे दिया, ऐसा नहीं करना है राइट। एक अपना पर्सनल मॉनिटरिंग में हम रख सके ऐसे मोबाइल नंबर देना है। नेक्स्ट जन आधार कार्ड में बैंक अकाउंट को अपडेट करना है, आपका जो भी अकाउंट है यदि आपने मेजर में करवाया या नया ओपन करवाया है तो आपके जन आधार कार्ड में वो अपडेटेड है या नहीं है, ये फॉर्म भरने से पहले ज़रूर चेक कर ले। यदि कर नहीं है अपडेटेड तो अपडेटेड के लिए आज के आज तुरंत अपडेट के लिए कोशिश करें, कम से कम ये 10 से 15 दिन लगता है अपडेट करने में। और 30 जनवरी जो है वो सूचना के अनुसार तो 30 जनवरी अंतिम तिथि है आपके स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए, आगे जो भी यदि चेंजेस हो तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट है अकाउंट शुड बी मेजर, आपका जो अकाउंट है बैंक अकाउंट है वो कैसा रहना चाहिए, मेजर रहना चाहिए। अकाउंट कैसा रहना चाहिए, मेजर रहना चाहिए, माइनर नहीं रहना चाहिए राइट। अकाउंट शुड बी मेजर, तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो मेजर रहना चाहिए। नेक्स्ट ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी ओरिजिनल, आपके जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल अपडेटेड होने चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन किए हुए होने चाहिए। यदि आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीटें कॉलेज में जमा है तो वहाँ से स्कैन कॉपी आप मंगवा सकते हैं, ईमेल मंगवा सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पर मंगवा सकते हैं और ई मित्र के माध्यम से उसे ओरिजिनल ही अपडेट करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट इनकम सर्टिफिकेट शुड नॉट बी ओल्ड मोर देन द 6 मंथ, आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यदि हो गया है तो पुनः बनवाना होगा, उसकी तारीख जो है वो एक बार चेक कर ले, बनवाने की तारीख चेक कर ले। नेक्स्ट है लास्ट ईयर पास मार्कशीट, लास्ट ईयर पास मार्कशीट का मतलब ये कि आप फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे तो 12th पास का मार्कशीट लेना है। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि 1 साल पहले वो 12वीं पास हुए थे और बीच में 1 साल उनका गैप हो गया है, तो उसके लिए उनको गैप शपथ पत्र भी लगाना होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, ई मित्र पे पूछें कि गैप शपथ पत्र कैसे बनता है और क्या करना है, कैसे अपडेट करना है इसको। नेक्स्ट है इन्फॉर्म टू द कॉलेज आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्म फॉर स्कॉलरशिप, जैसे ही आप छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करवा देते हो, आप ई मित्र पर जाकर अपने समाज कल्याण विभाग के अंदर जैसे ही आप अपनी छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भर देते हो, फिर वो फॉर्म जो है आपने भर दिया है वो आपको कॉलेज में आकर इन्फॉर्म करना है, क्योंकि आप जो फॉर्म भरते हो वो सबसे पहले कॉलेज में आता है और कॉलेज में हम यहाँ पर ID पासवर्ड से उस फॉर्म का ओपन करते हैं और उस फॉर्म के अंदर देखते हैं कि कोई कमी तो नहीं रह गई है राइट। यदि कमी रह गई है तो हम तुरंत आपको बता देंगे ताकि उसमें आप सुधार कर सको, अदरवाइज़ आप फॉर्म भर के फिर आप बिल्कुल भगवान भरोसे नहीं बैठे कि अब छात्रवृत्ति आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज लेवल पर भी आपका फॉर्म चेक किया जाएगा, उदयपुर के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वहाँ पर भी चेक किया जाएगा, फिर स्टेट लेवल तक जाकर भी आपको जो है वो बेनिफिट मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म भरें और फॉर्म भरते तुरंत आपको कॉलेज के अंदर इन्फॉर्म कर देना है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको ध्यान रखनी है। समझ में नहीं आया है तो वीडियो की स्पीड को कम करके देखें, पॉज करके देखें, स्क्रीनशॉट लेके एक एक पॉइंट को समझें, आधा एक घंटा इसको स्टडी करें फॉर्म भरने से पहले, थोड़ा सा ध्यान से सुने, सारी ध्यान रखने वाली चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लें एक बार, उसके बाद आप फॉर्म भरने जाएँ। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं और जल्दी से जल्दी आपके डॉक्यूमेंट तैयार
करिए। यदि कोई डॉक्यूमेंट बाकी है, कोई डेट यदि चीज़ें वगैरह चेंज करनी है, बैंक अकाउंट अपडेट करना है, तो उसको आज से ही लग जाइए, क्योंकि आप जितना जैसे फॉर्म भरोगे स्टेप बाय स्टेप हो सकता है हमको कुछ करेक्शंस भी मिले, राइट। तो हमारा ज़्यादा समय व्यर्थ ना हो और हमें जल्दी से जल्दी हमारे जो शिक्षा की सहायता है वो हमें मिल जाए। ऑल द बेस्ट। और यदि आपको कोई डाउट है, राइट, डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियर एंड स्कैन, आपके जो डॉक्यूमेंट है वो क्लियर और स्कैन होने चाहिए। फॉलोविंग मैसेजेस, यदि आप फॉर्म भरते हो, आपने फॉर्म भरा, फॉर्म गया कॉलेज में, अब कॉलेज से यदि कोई कमी रहती है तो वो कमी वापस आपके मैसेज के द्वारा आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको जो भी फॉर्म भरने के बाद फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड, अपडेट योर ओरिजिनल मार्कशीट, इस तरह के मैसेज आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि आपने मार्कशीट ओरिजिनल अपडेट नहीं किए, राइट। तो आपके जो मैसेजेस हैं उसको भी कंटिन्यू फॉलोविंग में, मॉनिटरिंग में रखें, मैसेज चेक करते रहें कि वो स्कॉलरशिप संबंधित कोई मैसेज आया तो नहीं है या ईमेल वगैरह आया तो नहीं है, इस चीज़ को चेक करें। यदि ऐसा है तो उसको सॉल्व करें, यदि नहीं समझ में आता है तो वो अपने जो टीचर हैं, नोडल ऑफिसर हैं पीयूष जैन, उनसे आप मिलें और ये सारी चीज़ें हेल्प आपको अच्छे से हो जाएगी। ऑल द बेस्ट। माई सेल्फ पीयूष कुमार जैन, और 9784601744 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। स्कॉलरशिप के लिए स्पेशल आपको यदि कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।